आप सबों को धन्यवाद दे। मैं मिसेस इपाके केतागो पीसीएफसी चार्ज यंगते। आज के विषय है यहोवा भला है। हालेलुया, यहोवा भला है, उसके वचन पर मनन करेंगे। अजाया 43:18। आप बीते हुए घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्रचीन काल की बातों पर मन लगा हो। हालेलुया, परमेश्वर हमें आज बता रहा है कि आप बीते हुए बातों को याद ना कीजिए। आपका जीवन में क्या हुआ था, कोई धोखा देने वाला था, कोई आपका जीवन में असफलता प्राप्त किया था, उन सब को आप भूल जाइए और पुराना बात को भी आप मन में मत रखिए। आज परमेश्वर आपको बता रहा है, आप जीवन में हर मन के आपका परिस्थिति में अब चल रहा होगा, लेकिन प्रभु परमेश्वर आज बता रहा है आपका बीते हुए घटनाओं और प्रचीन काल की बातों को भूल जाइए, आप अपना जीवन में आगे बढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। और यिर्मयाह 29:11 में, क्योंकि यहोवा की युवानी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। परमेश्वर हमारे लिए, आप और मेरा लिए जो भी कल्पनाएं करता है अच्छाई के लिए करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो हनी की नहीं वर्ण कुशल ही की है। परमेश्वर बता रहा है जो भी प्रभु यीशु आप और मेरा लिए योजना बनाते, अच्छा के लिए बनाते, हानिकारक के लिए नहीं है, कुशल ही के लिए बनाता है। हम सोचते हैं हमारे जीवन में कुछ दुख आएगा, तकलीफ आएगा तो परमेश्वर दिया है सोचता है, लेकिन हमारे परमेश्वर नहीं देता है, अच्छाई के लिए हमारे लिए कल्पनाएं करता है। आमीन, हालेलुया। अंत में तुम्हारा आशा पूरी करूँगा। आप परमेश्वर प्रभु यीशु के ऊपर में कितना भी आशा रखा है उसे प्रभु पूरा करेगा। इसलिए अपना जीवन में परमेश्वर हमारे लिए अच्छा ही काम करता है, अच्छा ही मार्ग दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक जॉन 10:10 में लिखा है, गॉस्पल जॉन 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी और घट करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बोटाया से पाए। हालेलुया, चोर किसी और काम के लिए नहीं आते हैं। जब चोरी करने के लिए घर में आते समय में कोई आदमी मालिक दिखाई देने से उसको मारेगा, पीटेगा, नाश करेगा। हालेलुया, इसमें दर्शाता है कि ये संसार की ईवल बुराई चल कपट को बता रहा है, लेकिन यीशु आया है जीवन देने के लिए और आप और हम बोताया से जीवन पाए। परमेश्वर इसलिए अच्छा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 2 Corinthians 12:9 में, उसने मुझसे कहा, पौलुस दर्शन की ओर देख के बता रहा है, परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड, पौलुस को परमेश्वर ने बात किया है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होते हैं। आपका वीकनेस में परफेक्ट बनता है। आमीन, हालेलुया। हम बीमार में अभी उठने नहीं सके भी लेटा होगा, लेकिन उसमें भी परमेश्वर का सामर्थ्य है। आपका वीकनेस में परफेक्ट बनता है। आमीन, हालेलुया। हम बीमार में अभी उठने नहीं सके भी लेटा होगा, लेकिन उसमें भी परमेश्वर का सामर्थ्य है।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और पौलुस अपने आप को इनकरेज करता है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं में गमन करूँगा। हालेलुया, पौलुस अपने आप में बात करता है कि तब परमेश्वर के अनुग्रह मेरा पास है तो, परमेश्वर के निर्बलता मेरा सिद्ध है तो, मैं अपने आप का निर्बलताओं में गमन करूँगा। हालेलुया, कि मसीह की समर मुझ पर छाया करते हैं, मसीह की समर, यीशु मसीह की समर मुझ पर छाया करता है सोच के वो अपना निर्बलता में गमन करूँगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जीवन में अभी हर मन के बेहतर होगा, हर चीज़ में काम में सफलता नहीं होके बेहतर होगा, उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आपका शरीर में कमज़ोर होके निर्बलता में मन टूट के बेहतर होगा, लेकिन उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे, अनुग्रह करे।